हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तौकीर है और आप देख रहे हैं ओसीबीटी। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपने किसी भी मीडिया प्लेयर के अंदर किस तरीके से इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं विद द यूज ऑफ फायरवॉल। आपको यकीनन इल्म है कि हम कोई भी मीडिया प्लेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि VLC हो गया, KM प्लेयर हो गया, K-Lite हो गया, कोई भी मीडिया प्लेयर है, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के एड्स चल रहे होते हैं, या फिर वो बाज़ुकात आपको डिफरेंट किस्म की कोई एडवर्टीजमेंट ओपन कर देते हैं और हम उससे बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। काम करने के दौरान, कोई वीडियो देखने के दौरान फजूल में वो एड्स आते रहते हैं और आपके इंटरनेट की यूटिलाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आज मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उनको डिसेबल या उनको ब्लॉक कर सकते हैं। देखें दोस्तों कि हम जो अपना मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, हमें उसके अंदर वीडियो रन करनी होती है, हमें उसके अंदर किसी किस्म के इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, तो हम उनको इंटरनेट क्यों देते हैं? हम तो उनको इंटरनेट बंद कर देना चाहिए उनकी उनके अंदर। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मीडिया प्लेयर के अंदर आप उसको इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पर अपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और लिखना है कंट्रोल। आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद अपनी फायरवॉल के अंदर जाए। फायरवॉल के बाद एडवांस सेटिंग्स में जाए और यहां पर दो किस्म के रूल्स हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। हम इस वक्त आउटबाउंड के अंदर जाएंगे क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर से ट्रैफिक बाहर जा रही है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और न्यू रूल को क्लिक करके एक नया रूल ऐड करूंगा। यहां पर आपके सामने डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं। आप किसी प्रोग्राम को भी डिसेबल कर सकते हैं, पोर्ट को भी, प्री डिफाइंड को भी, और कस्टम कोई भी एक नया रूल बना सकते हैं। मैं इस टाइम पूरा का पूरा प्रोग्राम ही ब्लॉक करना चाह रहा हूं, लेकिन आप याद रखिएगा मैं इंटरनेट ब्लॉक करने लगा हूं। मैंने नेक्स्ट किया और यहां पे वो पूछता है आप सारे प्रोग्राम ब्लॉक करना चाहते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोग्राम ब्लॉक करना चाहता हूं। और ब्राउज पे क्लिक करके हम अपनी सी ड्राइव के अंदर आएंगे और आपको पता है आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सेव होते हैं जाके। मैंने प्रोग्राम फाइल में डबल क्लिक किया और यहाँ पे लास्ट पे कहीं ना कहीं केएम प्लेयर लिखा होगा। मेरे पास इसमें केएम प्लेयर है। अगर आपके पास VLC है तो आप VLC में जाएंगे, जो भी प्लेयर आप उसके फोल्डर के अंदर जाएं, डबल क्लिक करें और यहाँ पर उसी के नाम से .exe एंड पर आ रहा होगा। आपको .exe फाइल चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि .exe फाइल से क्या मुराद है या एक्सटेंशन किस तरीके से आती है, तो मैं आपको वो भी बताता जाता हूं। आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन कीजिए और यहां पर देखें, एक यहां पर इस तरीके से क्रॉस होगा विंडोज 10 के अंदर। आप इसको ड्रॉप डाउन करें और यहां पर व्यू पे क्लिक करें। यहां पर देखें आपके पास हिडन आइटम्स के ऊपर लिखा हुआ है फाइल नेम एक्सटेंशंस। आपके पास बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होता है। अनचेक से मुराद है कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर हो उसके एंड पे .exe या .tiff इस तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं आएगी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी एक्सटेंशन होंगी वो सारी की सारी आपको शो होने लग जाएंगी। अब वापस चलते हैं फायरवॉल के अंदर। मैंने ब्राउज पे क्लिक किया। अब चूंकि मैं एक्सटेंशन ऑन कर चुका हूं तो इस वजह से यहाँ पे एंड पे .exe आ रहा है। मैंने डबल क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए आपसे वो डिफरेंट किस्म की ऑप्शन मांग रहा है, वगैरह इसको ब्लॉक करना है, इसको अलाउ करना है या अलाउ द कनेक्शन करना है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन आपने अलाउ करा है। मैं इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ, ब्लॉक पे क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया। अब वो तीन ऑप्शंस दे रहा है, आप इसको डोमेन के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, प्राइवेट के लिए या पब्लिक के लिए। मैंने कहा तीनों के लिए ब्लॉक कर दो, हमें इस अपनी एप्लीकेशन के अंदर किसी भी सूरत में इंटरनेट की जरूरत ही नहीं। मैंने नेक्स्ट किया। अब वो कहता है इसको कोई नाम दे दें। मैंने लिखा जी KM प्लेयर ब्लॉक, और डिस्क्रिप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, देना चाहे तो दे दें। फिनिश किया। अब यहाँ पे देखें ये मैंने जो रूल बनाया वो यहाँ पर ऐड हो गया। अब जब ये रूल यहाँ पर ऐड हो गया, जब आप अपना KM प्लेयर ओपन करेंगे तो ना ये डिफरेंट किस्म के एड्स दिखाएगा आपको और ना ही ये आपको कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट शो करेगा। इंटरनेट के साथ इसका ताल्लुक ही कोई नहीं रहेगा क्योंकि अब आप इंटरनेट को ब्लॉक कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।